आगरा पुलिस ने बुधवार तड़के अगवा हुई पैसेंजर बस का पता लगा लिया है। पुलिस के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस ने बस के झांसी के पास से बरामद होने की जानकारी दी है। आगरा SSP बबलू कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी टीम ने बस में मौजूद सवारियों से बात करने के बाद आगे की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा दक्षिणी बाईपास पर मऊहर के पास मंगलवार देर रात गुड़गांव से पन्ना जा रही स्लीपर कोच बस को कुछ युवकों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया था। आगरा के SSP बबलू कुमार ने बुधवार को बताया कि घटना देर रात की है। SSP ने घटना के बारे में कहा कि मध्य प्रदेश के डबरा के रहने वाले रमेश स्लीपर बस संख्या UP 75 M3516 में 34 यात्रियों को लेकर मंगलवार शाम को गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना में अमानगंज के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने बताया कि 10:30 बजे बस आगरा के दक्षिणी बाईपास के रायभा टोल प्लाजा के पास पहुंची थी, तभी वहां बोलेरो और जाइलो में सवार 8-9 युवकों ने खुद को फाइनेंस कर्मी बताकर इसे रोक लिया। SSP ने बताया कि युवकों ने चालक से बस से नीचे उतरने को कहा, लेकिन वो नहीं उतरा और बस लेकर आगे चल दिया। अधिकारी ने बताया कि गाड़ी सवारों ने बस का पीछा किया और मल्लूपुरा क्षेत्र में न्यू दक्षिणी बाईपास पर ही उन्होंने बस को ओवरटेक कर उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि युवकों ने चालक और परिचालक को जबरन बस से नीचे खींच लिया। युवकों ने सवारियों से कहा कि वे शांत रहें और किसी को कोई खतरा नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 युवक बस में बैठ गए, एक ने स्टेयरिंग संभाल ली और वे बस लेकर चले गए। उन्होंने बताया कि कुछ युवकों ने चालक और परिचालक को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उन्हें दिल्ली कानपुर हाईवे पर कुबेरपुर के पास छोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि उस समय सुबह के 4 बजे थे। चालक और परिचालक ने मलपुरा थाने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही SSP मौके पर पहुंच गए। SSP ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला फाइनेंस का ही लग रहा है, मगर अंदाज दुस्साहसिक है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बस के मालिक का मंगलवार को देहांत हो गया था और वो कुछ समय से श्रीराम फाइनेंस की ओर से कर्ज लेकर खरीदी गई बस की किश्त नहीं दे रहा था। वो काफी कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज रिकवरी के लिए फाइनेंस कर्मियों ने बस हाईजैक कर ली। उनकी योजना यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाकर बस अपने कब्जे में लेने की थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।